दोस्तों अगर आप फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पर किसी भी फोटो को आप डिलीट करना चाहते हैं लेकिन वहां पर दोस्तों आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है और काफी दोस्तों के पास ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, जितने भी लोग फेसबुक यूज करते हैं उनके पास जो है वो फेसबुक फोटो जो है वो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फोटो को डिलीट कर सकते हैं और इस ऑप्शन को आप किस तरह से ऑन कर सकते हैं और आप इजिली अपनी फोटो किसी भी चीज को आप डिलीट कर सकते हैं एक क्लिक की मदद से। तो वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। खबर आ चुकी है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह फेसबुक की पोस्ट को फोटोज को एक क्लिक की मदद से जो है वो सारे डिलीट कर सकते हैं। आल का मार्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस भाई को फॉलो करते हो तो यकीन के तौर पे आज की वीडियो देखने के बाद आप यकीनन अपनी फेसबुक की जितनी भी फोटोज हैं वो एक क्लिक की मदद से आप डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे वो बता देता हूं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, यहां पर आपने फेसबुक के ऊपर आना है। फेसबुक के ऊपर आने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है, ठीक हो गया। आने के बाद दोस्तों अपने नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आपको एक फोटो देखने को मिलेगी, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर मैं तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर दोस्तों हमें जो है वो एडिट जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद डिलीट फोटो का हम एक ही डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों हमें अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं लेकिन यहां से हमें आल मार्क का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। सो आपने बैक करना है, बैक करने के बाद यहां पर आना है और यहां पर दोस्तों आपको इस फोटो के ऊपर क्लिक नहीं करना है, जैसे आपकी फोटो है वैसे रहने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर तीन डॉट देखने को मिलेंगे और यहां पर दोस्तों वो ऑप्शन यहां पर आपको जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जस्ट करना क्या होता है, यहां पर आपको जो है वो यहां पर अनपिन, तो मैंने जो है वो इसको मतलब पिन किया हुआ है तो अगर मैं अनपिन करना चाहता हूं तो वो यहां से कर सकता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, दोस्तों यहां पर आ चुके हैं ना। अच्छा, अब आने के बाद दोस्तों हमें जस्ट करना क्या होता है, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें यहां पर सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद सो यहां पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सो यहां पर दोस्तों हमें जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिसाइकल बिन का। दोस्तों अगर आप सर्च करते हैं यहां पर रिसाइकल बिन तो सो यहां पर आपके पास वही ऑप्शन, यहां पर वो ऑप्शन जो है वो शो नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों आप रिसाइकल को यहां पर आप सर्च करोगे, रिसाइकल यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं सो मेरे पास वो सेटिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हेल्प सेंटर होगा, उसके बाद अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता सो एक बार दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आता हूं। फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद मैं यहां से दोस्तों किसी भी फोटो को जो है वो क्लिक कर लेता हूं। मान लीजिए इसको क्लिक करते हैं, यहां पर दोस्तों आपको जो है वो यहां पर मूव टू अचीव पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे गो टू अचीव पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपने जितनी भी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी वो यहां पर आपने एक बार मार के लगा लेना है। यहां पर जितनी मेरी जो है वो अब एक ही है तो मैं यहां पर दोस्तों जो है वो देख सकते हैं एक ही है। और यहां पर दोस्तों आपको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहां पर मैं आल करूंगा, आल करने के बाद दोस्तों यहां पर वो ऑप्शन देखने को मिलेगा तीन डॉट, तीन डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं इस पर डिलीट करूंगा और यहां पर वो सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जस्ट यहां पर आपने अपना पासवर्ड लिख देना है, जब आप पासवर्ड इंटर करोगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।